मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजा दिग्विजय सिंह एवं रानी साहिबा की नर्मदा परिक्रमा यात्रा में पधारे सभी भक्तजनों का कुटला कला से अभिषेक ठाकरे अंकित ठाकरे की ओर से जोरदार स्वागत अभिनंदन। सौराष्ट्र वेरावल में जलाराम जन्म जयंती 218 महोत्सव पद यात्रा हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया गया और हजारों की तादाद में भक्तजन जुड़े थे। जलाराम सेवा ट्रस्ट के कार्यकारी लोकप्रिय श्री अशोक भाई गदा के आयोजन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। संवाददाता मनोज चौहान, सौराष्ट्र गुजरात की रिपोर्ट। सौराष्ट्र सोमनाथ जिले में आज जलाराम जयंती के उत्सव में हजारों की लाखों की तादाद में आज संख्या आज एकजुट हुई है। उत्सव मनाने के लिए आज हम यहाँ कार्यकर्ता के साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। मारू नाम अशोक एम गदा, श्री लोहाणा महाजन वेरावल। 1988 अंदर आ मंदिर की अँ स्थापना करी और 1988 बहुज मोटी संख्या में लोग भेगा थी जलाराम बापा उत्सव में उजवीए छे। जलाराम जयंती धामधूम उजवीए छे। 1990 अंदर श्री लोहाणा महाजन वेरावल द्वारा समूह प्रसादी आयोजन थाय है, जेमा हजारों की संख्या में बपोर और सांजना टाइम में बे टाइम जलाराम बापा पेट भरी ने प्रसादी लोग आरोगे थे और धामधूम थी और भव्य रीते लाखों की संख्या में लोग एकटा थता हुए आजूबाजू गाम में अँ जलाराम जयंती बहुत मोटा पाये उजवणी। जी धन्यवाद सर, मैं आपसे ये जानना है कितने सालों से आप जलाराम जयंती मना रहे हैं? 29 साल से 1988 से हम जलाराम जयंती का उत्सव मना रहे हैं। बड़ी धूमधाम से और आदर से साथ में इकट्ठा निकलते हैं। शहर भर में जलाराम बापा की शोभा यात्रा निकलती है, हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं उसके साथ। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने रुपये तक का इसमें दान का खर्च किया जाता है? करीबन 2 टाइम की प्रसादी का खर्च 4 से 5 लाख रुपया होता है। सब लोग अपने हिसाब से उसमें फंड में रुपया अपने हिसाब से देता है, कभी भी कोई कमी नहीं हुई है।